कर्मी को जिस तरह से करना चाह रहा है ये बिल, तो उसमें कोर्ट के सारे पावर्स नहीं हुआ, फिर इससे निकाल दिया जाए सरकार वो ऑर्डर निकाल के सीधे वर्क बोर्ड को भेजेगी, वर्क बोर्ड उसका अपने डिस्पोजल निकाल देगा। इतनी आर्बिट्री पावर सेक्शन 3C में गवर्नमेंट वर्क के कलेक्टर को दे रही है। पहले कलेक्टर सबॉर्डिनेट हुआ करता था वर्क बोर्ड का, बोर्ड पूरा स्टेट का एक होता है, बोर्ड में एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इतना बड़ा। अब वो कलेक्टर के को सबॉर्डिनेट बना रही है वर्क बोर्ड। अगर ऐसा हुआ तो कलेक्टर जितने आर्कियोलॉजी के पास बिल्डिंगे हैं बड़ी बड़ी पुरानी है, जितने भी सब कोर्ट की मदद ले लीजिए, कोर्ट की मदद दूसरे दिन ऑर्डर भी कर सकता है कि सरकारी प्रॉपर्टी। चौथी सबसे मुश्किल बात जो होने वाली है मुसलमान के लिए, कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अगर कोई मस्जिद का करना चाहे आप, या किसी मदरसे का करना चाहे या मदरसा का करना चाहे, तो रजिस्ट्रेशन डिफिकल्ट है, रजिस्ट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अभी नया कर हर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो वर्क बोर्ड के पास आएगी, वर्क बोर्ड उसको कंपल्सरीली उस कंसर्निंग कलेक्टर के पास भेजेगा, और कलेक्टर उसको देखेगा ये सरकारी जमीन पर नहीं है, और कलेक्टर क्लियरेंस देगा तो ही वो वर्क बोर्ड उसको प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर पाएगा। और वर्क के कानून में वही प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं तो उसका वर्क के कानून का प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलता। तो हर एप्लीकेशन अगर कलेक्टर को भेजेंगे, कलेक्टर इतने कामों से पूरी परेशान रहता है आजकल, कलेक्टर जो अभी भी आज के वर्क कलेक्टर भी कलेक्टर को इन्फोर्समेंट हटाने के पावर्स है, इलीगल पोजीशन में किसी ने वर्क प्रॉपर्टी को लेने के पावर आज के कानून में भी है। मदद मिली है और गनीमत मिली है, मैं उसको बारगाहे इलाही के अंदर आपके नाम के जरिए से और आपके मशवरे से वक्त कर देता हूँ। वक्त की वो इमलाक है जिससे हिंदुस्तान की मईशत आज दुरुस्त है, और मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ शायद हमारे मुल्क के अंदर एक कौम है जो मुसलमान है, वो मुल्क के कानूनी एतबार से उतने ही हकदार है। इसलिए मैं सिर्फ कानून पे बात करता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ अभिजीत जी कि भारतीय मुसलमान कौन है, तो मैं उसके आगे एक जोड़ता हूँ कि हम इस देश के सबसे बड़े देशभक्तों की औलाद है, क्योंकि एक पीढ़ी गुजर गई 75 साल। वो कैसे, तो हमारे बाप दादा के पास सारे ऑप्शन था जो दूसरों के पास नहीं था, कि वो या तो धर्म यानी मजहब के बिना पे बने हुए मुल्क में चले जाए, या तो इस मुल्क में रुक जाए जहां पे हमारी 7, 10, 20, 25 जितनी भी पीढ़ियां हैं उसमें। तो हमारे बाप दादा ने ये नहीं चुना कि मजहब के बिना पर बने हुए मुल्क में जाना। एक नया विवाद देश में शुरू हो गया है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 2014 से मोदी साहब इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद से 11 साल में ऐसा कि एक साल भी नहीं गया कि जिस साल में मुस्लिमों के बारे में चर्चा इस देश में नहीं हुई या हिंदू मुस्लिमों के बारे में चर्चा नहीं हुई। 2014 से लेकर अब तक के ऐसे कई हादसे हुए, ऐसी कई घटनाएं हुई कि जिसके बारे में लोगों को यह मजबूर किया गया कि लोग हिंदू मुसलमान की चर्चा करें। हालांकि जब 2014 में मोदी साहब सरकार बनाए, उनको जब मेजोरिटी मिली, 2019 में भी उनको मेजोरिटी मिली, तो उन्होंने इस देश पे किस प्रकार से विकास का कार्य करना चाहिए या किसी भी समाज का किसी भी धर्म का व्यक्ति ये हमारे देश में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बारे में चर्चा करना यह अपेक्षित था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि जब मोदी के खिलाफ इस देश में उस चुनाव को लेकर जब वातावरण था, तब कहीं ना कहीं पुलवामा की घटना भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल था, और उस घटना को उस तरीके से एंगल दिया गया, उस घटना को अंजाम दिया गया है। आज भी तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जब महाराष्ट्र के, झारखंड के, जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के, ये 4 जो मेजर स्टेट हमारे देश में है, ये 4 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, और चूंकि उनका पूरा लक्ष्य है जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है ऐसा समझते हैं, वोट पर जो इल्जाम लगते रहे हैं उस वक्त से वक्त बोर्ड ने अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाए? देखिए, वक्फ बोर्ड में कानून का जो नेचर होता है, जिस वजह से कानून लाया जाता है,
या तो कानून जो पहले से है उससे बेहतर लाया जाता है या उस जैसा लाया जाता है। लेकिन ये जो कानून आया है ना तो पहले जैसा है, मिलता जुलता उससे के सुधार तो जब ही होता है जब पुराने कानून जब भी लेटेस्ट बना था 2013 में उस पर अमल होता, तो ना तो उस पर सही तरीके से अमल शुरू किया हमने ना उससे बेहतर लाया है। तो यही चीज जो है वो नेचर ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूट के खिलाफ है। जी सर, अभी जैसी बातें हो रही थी कि संविधान को बदला जाएगा, तो आपके हिसाब से क्या संविधान को बदलने की शुरुआत की जा रही है? ऐसे लगता है कि वो नहीं कर सके तो वो सोचा कि इस तरह से करने की कोशिश करो। जिस तरह से हमारे साथी पत्रकार ने मुझे आरोप लगते रहे, वक्त के अधिकारी, पुराने मंत्री, वक्त की जमीने जो है वो हड़पते रहे हैं, लेकिन इतना हाय अल्लाह अब तक नहीं हुआ। लेकिन जब 8 अगस्त को पार्लियामेंट में यह बिल पेश किया गया, उसके बाद से जो है देखने में आया सारी मुस्लिम कम्युनिटी एक जागरूक कहीं ना कहीं उठकर खड़ी हुई इसके खिलाफ, ऐसा क्यों? ये अब तक ये था कि जो लोग खाते थे छोटा मोटा खाते थे, अब हुकूमत पूरे एक साथ साफ कर ले, छोटी मोटी चीजें थी जिनको वक्फ ट्रिब्यूनल में रोका जा रहा था, उसके बाद फिर हाई कोर्ट भी जाया जाता था। लेकिन अब तो एक ऐसा कानून जो के आर्टिकल 26 से टकरा रहा है, 29 से टकरा रहा है, आर्टिकल 14-13 के खिलाफ है, उसको वायलेट वायलेशन है ये पूरा, इसलिए इसके खिलाफ है। 8 अगस्त को पार्लियामेंट में इसका विरोध किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर इसको दिया गया है, देखने में आया है कि वो ईमेलबाजी जो है वो चल रही है कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है इसका विरोध जो विरोध कर रहे हैं वो लोग इसको ईमेल करें। तो लगभग आज की शाम तक जो अपडेट मिला है 1.5 करोड़ लोगों ने ईमेल किया है, क्या ईमेल की क्या सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा कुछ है, और अगर सच्चाई है तो कितने परसेंट है मुसलमानों के ईमेल या फिर इसके विरोध में ईमेल जाना चाहिए जो इस बिल को आने से रोक सके? तो ईमेल कर रहे हैं लोग, और वो इतनी उम्मीद भी नहीं थी लोगों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कि लोग इतना इसमें हिस्सा लेंगे या इतनी फिक्र है लोगों को या इतने जज्बात में, तो वो मशीन भी जो है बड़ी धीरे धीरे कर रही है। अभी उसमें इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो निकले हैं वो तो तकरीबन 50 लाख के करीब है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी तादाद होती है। इससे ये पता चलता है कि मुल्क की आवाम इस नए बिल से खुश नहीं है और इसको वापस होना चाहिए। जिस तरह से 20 करोड़ मुसलमान बताया जाता है, क्या कुछ परसेंटेज है कि 5%, 10% मुसलमान अगर इसका विरोध करते हैं या 50% इसका विरोध करते हैं तो इस बिल को संसद में जो है पास नहीं किया जाए? ऐसा कुछ परसेंटेज है जो आप कमेटी के मेंबर है, क्या आपको क्या जानकारी? देखिए वो तो अब जब कमेटी की मीटिंग अभी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा और अपनी डिसएग्री को जिसको जाहिर किया कि वो इससे खुश नहीं है, नाराज है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। आपकी स्पीच हमने सुनी, स्पीच में देखने में आया लोग सुनना चाहते थे कि आप वक्त में जो बिल है उसके ऊपर बात कर रहे, लेकिन बहुत गर्मी महसूस हुई। नहीं, उससे पहले बहुत शिकों पर हमारे चेयरमैन ने मुझे बताया और मैंने भी सुना, बहुत बात हो चुकी थी, क्योंकि सीरतुल्नबी देखिए सीरतुल्नबी का ये जलसा भी था और वक्फ की जो बातें जो बुनियादी तौर पर जो वक्फ की चीज है उसको जिक्र हमने किया कि जो है वो अमानतदारी के साथ हमें अमल आगे बढ़ना है और जो कमियां पीछे हमारी खुद लाइफ में इस्लाम के बखौल जो नहीं आई है उसको हमें पूरा करना है इंशाल्लाह। मुसलमानों के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? वो सच्चे और पक्के, जिसको कुरान में जिसका मुतालबा किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सदाकत पर चल के दिखाया उस पर चलने वाले बने, यही मैं कहूँगा। चिराग पासवान ने भी ये जो इसे नहीं प्रोपगंडा कर रहा है, चिराग पासवान ने भी कहा कि ये जो बिल है इसकी प्रपोजिशन जो है वो प्रोपगंडा कर रहा है, मतलब क्या ये प्रोपगंडा है प्रोपेगेंडा? तो वो लोग कर रहे हैं जो बहुत थोड़ी जगह को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा जगह तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के पास में है,
जब बकबोर्ड की प्रेम आर्जेस पे जब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी तब वो बकबोर्ड में ये सवाल जी देखिए उसकी बहुत सी वजुहत है। अब तक जितने बकबोर्ड बन रहे हैं ज्यादातर उसमें इस तरह के लोग होते थे कि जो गवर्नमेंट की उसमें सियासी लोगों का सुख रहता था, ये वजह रही है। लेकिन उसमें अच्छे लोग भी रहे हैं तो, लेकिन अब हमें ये तो अच्छे जो डेमोक्रेटिक कल्चर से लोग आते थे गवर्नमेंट की सहमति थी, लेकिन अब तो वो सिलसिला ही बंद हो रहा है। डेमोक्रेटिक जो कल्चर है, जो प्रोसेस डेमोक्रेटिक है, उसको खत्म करके इलेक्टोरल कॉलेज को खत्म करके नॉमिनेशन का कल्चर ला जा रहा है, जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। सर क्या वक्फ ने अपने जो उनके अंडर जो काम आते हैं, जो वो खिदमत दारी करते हैं, जो हमारे हुजूर के दौर से होती हुई आ रही, उन सब चीजों को पब्लिक में आम क्यों नहीं किया? सर अभी भी जो गैर कौम के जो लोग हैं, इन द सेंस जो हमारे भाई है, हिंदू भाई है, बहने हैं, उनको इस कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमारे मौलानों ने ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई? वो सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हमने कहा कि करेक्टर खुद एक ऐलान होता है, वो हमने इसमें कमी रही, हम उसको दूर करना चाहिए, उसी को हमने लिखा। एक कुछ समय दिया गया है ईमेल का, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, क्या उसके बारे में जानकारी हमारे वो सब लोग तय करेंगे मिलके, तो इंशाल्लाह आप मेल हो ही जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो इस बिल के सपोर्ट में जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी इसके विरोध में ईमेल कर रही है, नॉन मुस्लिम जो है इसके सपोर्ट में ईमेल कर रहे हैं, तो क्या दोनों की काउंटिंग को मद्देनजर रख के इसका जो है आगे की प्रोसेस की जाए? ये तो वक्फ का जो इशू है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टीज है जो एक अल्लाह को मानकर वक्फ करते हैं, दान देते हैं समाज के कमजोर वीकर सेक्शन के लिए या मजहब की जगहों के लिए। तो इसका ताल्लुक उन लोगों से खासतौर पर है कि जिनके लिए ये वाकिफ ने वक्फ किया है। दूसरे लोगों से राय लेने का मैं नहीं समझता कोई इसमें ज्यादा उनको राय देना चाहिए न राय लेना चाहिए उनसे। क्या लगता है आगे क्या मतलब आपके धर्म और आपके मजहब के बारे में कोई दूसरा कैसे बताएगा? वो तो आप चाहेंगे कि आप किसी आलिम से पूछे, इमाम से पूछे, वही तो आप चाहेंगे, या आप दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे ही दूसरे लोगों से पूछो, ऐसे ही मांगे कि हम उनसे पूछ रहे हैं जिन्हें वक्फ के लफ्ज के मीनिंग नहीं मालूम। आप कांग्रेस से है और आप एक दिग्गज नाम है, तो सर आप जैसे हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा, कई मतलब जो छोटी कम्युनिटीज है, जो आम पब्लिक है, हर कोई के जहन में एक चीज थी कि संविधान को बदला जाएगा, तो क्या सर आपको ऐसा लगता है संविधान को बदलने के लिए भी सहारा मुसलमानों का लिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई थी वो इंसानियत की लड़ाई है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात करने आए, हम इंसानियत की बात करने आए। हमारी हिंदू माताओं ने, हिंदू भाइयों ने भी जमीनें डोनेट किया है दरगाहों को और यतीम खानों को और मस्जिदों को भी जमीनें डोनेट की हुई है। शतरंजीपुरे की अगर एक नागपुर की शतरंजीपुरे की मस्जिद को जो डोनेट किया है वो भी हिंदू माँ ने डोनेट किया हुआ है, तो क्या वो जमीनों के ऊपर में जो बिल आ रहा है वो वक्फ बोर्ड से निकाल कर अब कलेक्टर करेगा, और कलेक्टर अगर उसके ऊपर निर्णय लेगा तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली जो लड़ाई है उस लड़ाई के खिलाफ में ये सरकार जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर ये बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम सिंपत्ति उद्धव ठाकरे के साथ है, उद्धव ठाकरे जो है मुस्लिम वोटों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले जितने भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के रहे, चाहे वो वजाहत मिर्जा हो या उससे पहले, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घूस खाने के आरोप लगते रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बैठने के बाद आज ये नतीजा आया है कि संसद में इसका बिल पेश किया गया इसको बदलने? देखिए ये बात सच है, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दो मत नहीं, सच्चाई, आप जो भी बोल रहे हो सच होगा, लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के ऊपर में बहुत ज्यादा उनके ऊपर में
ये झुके हुए है, और उन्होंने ये खास करके एंटालिया की जो बिल्डिंग है, जो यतीम खाना है, उसको बचाने के लिए बिल लाया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बिल से सबसे पहला जो रहेगा कि वो मुकेश अंबानी की जमीन को वक्त से आजाद करने का काम ये बिल के माध्यम से करने की कोशिश करेगी ये सरकार। सर वैसे तो आपका परिचय किसी चीज का मोहताज नहीं है, बट आप कांग्रेस पार्टी से मतलब बिलोंग करते हैं, एमएलए रह चुके हैं, और हर छोटी बड़ी चीज पर आपकी हमेशा निगाह रही है, और उससे भी बड़ी बात कि आपके अपने कॉलेजेस हैं जो बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम देते हैं। सर लेकिन आज जिस बिल के लिए हम यहाँ आप सब इकट्ठा हुए हैं और जिस बिल का हम विरोध कर रहे हैं, क्या सर ये कुछ सालों पहले जब हमने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते सुना था, और सुना है कई गवर्नमेंट की जो आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके कई ऑफिसेस वक्फ बोर्ड के जमीन पर है, तो सर वक्फ बोर्ड तब का खामोश था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सच्चाई है कि बहुत सारी जमीनें सरकार ने अपने ऑफिसेज वहाँ खोले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ नागपुर में नहीं, सिर्फ बम्बई में नहीं, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, बल्कि हैदराबाद से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हो सका है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन्होंने अपने अपने ऑफिस और अपने अपने ऑफिस का खोलने का काम वहाँ पर किया है। मैं वक्फ मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी वक्फ की जमीनें हैं उन वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए मैंने नया कानून लाने की कोशिश की, और बहुत सारी जमीनें मैंने बचाने का काम किया है, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट बॉडी है, जिसने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी महंगी जमीन थी बम्बई की, जो आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा महंगी है, एंटालिया जो मुकेश अंबानी की है, उसको नोटिस देने की हिम्मत करने का काम मैंने किया, और उस जमीन को भी बचा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम मैंने किया। ये बात अलग है कि हमारी सरकार में हमारे बहुत कम अधिकारी है, IAS ऑफिसर्स है, और ज्यादातर जो फाइल जाती है वो उनको वक्फ के बारे में समझता नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म से बहुत कम IAS ऑफिसर है जो ये चीजें हैंडल किया है। और आज भी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितने अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स है, UPSC MPSC पास करके मंत्रालय में जाते हैं, जो ये फाइलों को हैंडल कर सके और वक्फ की जमीनों को ठीक तरीके से हैंडल कर सके। ज्यादातर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, बहुत सारी वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए पॉलिटिकल विल जरूर होती है। पॉलिटिकल आदमी एक ऐलान करता है, पॉलिसी बनाता है, लेकिन मेन काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, और हमारी कौम में IAS ऑफिसर्स, UPSC MPSC के अधिकारी कम होने के लिए रहने के लिए वजह से हमारी वक्फ की जमीनों को प्रोटेक्शन नहीं मिला, और बहुत ज्यादा जमीनों पर औकाफ की जमीनों पर सरकारी जमीनें आ गई। आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कल वोटिंग का आखिरी दिन है, आज कत्ल की रात है, उसी के लिए आज यहाँ सब लोग आए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आज यहाँ खुद जनाब जो इमाम है, पार्लियामेंट के इमाम है मौलाना मोहिबुल्ला साहब नदवी साहब, वो खुद यहाँ से आज यहाँ पर आए 4-5 घंटे के लिए। अभी 11 बजे उनकी फ्लाइट है, वापस दिल्ली जा रहे हैं। उनको लाने के लिए हैदराबाद के लोग, पूना के लोग खुद जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और अगले हफ्ते में 17-18 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के अंदर में तय होगा ये JPC जो भी निर्णय लेगी, वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी, और हो सकता है कि ये बिल लोकसभा के अंदर में जो भी पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में इसके ऊपर में सही मानों में हक पर इसके ऊपर अगर चर्चा होती है, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो दो वजीर आला है, वो इस बिल के ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो इस बिल के ऊपर में अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रख दिया है कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने खुद इस बारे में
हाउस के अंदर में चर्चा की है, मुलायम सिंह के बेटे ने भी, यादव जी ने भी उस बारे में चर्चा की है। ये सब वक्फ की जमीन बचाना चाहते हैं। सारे सेकुलर जितने भी ऑपोजिशन है वो सारे यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है। और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। मौलाना साहब जो है वो समाजवादी पार्टी से है, मैं कांग्रेस से हूँ। हम सब मिलकर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, सारे वक्फ बोर्ड पे, जैसा आपने हमें बार बार ये बात बताई भी है और ये कहीं ना कहीं हमने स्पीच में भी सुनी है कि आपने हर वो मुमकिन कोशिश की, हर उस चीज के खिलाफ गए जो वक्फ बोर्ड के हक में थी, तो क्या सर आप जैसे ईमानदार लोग वक्फ बोर्ड में बचे नहीं? देखिए, आज वक्फ बोर्ड के अंदर में जो आता है वो MLA होना पड़ता है उसके लिए। और नागपुर से 2009 से या पूरे विदर्भ से कोई माइनॉरिटी का MLA चुन के नहीं आ रहा है। माइनॉरिटी जो है पूरी तरीके से, जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो हम सभी को मिलकर माइनॉरिटी पूरी ताकत से वोट देती है। लेकिन दुख की बात है, जब माइनॉरिटी का आदमी खड़ा होता है चुनाव में, तो उसको जैसे वोट मिलने चाहिए, जब हम उनको वोट देते हैं सारे लोगों को, तो हमारे नुमाइंदे के को वोट नहीं मिलते हैं और वो इलेक्शन में 1,000, 2,000, 4,000 से पीछे रह जाता है। और इसीलिए विदर्भ में जहाँ 3-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे, अकोला से अजगरुद्दीन चुनकर आते थे, चंद्रपुर से शफीक अहमद साहब चुनकर आते थे, ऐसे 2-2, 3-3 MP यहाँ से चुनकर आते थे, और 3-3, 4-4 MLA चुनकर आते थे। कामठी से पठान साहब चुनकर आते थे, मद्दनागपुर से मैं चुनकर आता था, ऐसे कई MLA विदर्भ से चुनकर आते थे। गुलाम ने भी आजाद विदर्भ से यहाँ से चुनकर आए, लेकिन आज देख लीजिए विदर्भ में एक भी MP नहीं है आपके फॉर्म में, एक भी MLA नहीं है, तो कौन बोलेगा वहां पर, कौन बोलेगा, कौन उठाएगा आपकी आवाज? क्यों ये आवाज उठाने के लिए, अगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी कौम आपस में लड़ रही है, आपस में हमारे में अभी भी एजुकेशन पीछे है, हम तालीम में पीछे है, और हमारे लोगों में तालीम न रहने की वजह से हमारे जो लोग है वो हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं मसलत के नाम पर। अगर ये बिल वो भी बैठे हुए है, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए, वो आपको देखिए। एक एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने का काम किया, हमने कम से कम 100-150 लोगों को, जो अरबपति और खरबपतियों को हमने नोटिस देने का काम किया, तो रऊ शेख साहब को भी वहां से उनका तबादला किया गया, और मुझे भी इलेक्शन में वो लोगों ने उनके आने को नहीं दिया। ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें आज वक्फ की जमीन को खाने का काम कर रही है। सर एक आखिरी और थोड़ा सा आप ही के बातों का सवाल है, सर आपने कहा आज कत्ल की रात है, आपने कहा आज कत्ल की रात है, अगर कत्ल हो जाता है तो आगे की तैयारी क्या है सर? देखिए, हमने अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो गई है, 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि कल जुम्मा है और जुमे के पहले, आज जुमेरात है, तो लोग जो है यहाँ जो आया है, जो मैसेज जा रहा है, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमारे लोगों की ईमेल बने हुए नहीं है, ये बात सच है। कितने लोगों की ईमेल है, आपके कितने ईमेल है बाबा भाई, ये कॉर्पोरेटर जो क्या इनका ईमेल है, क्या कौशर भाई का ईमेल है, कितने लोगों का, निजाम भाई कॉर्पोरेटर है 15 साल से, भुट्टो भाई हमारे कॉर्पोरेटर, कितने लोगों के ईमेल बने हुए हैं? तो हम लोग, हमारे पास ईमेल ही नहीं है तो मेल कहाँ से करेंगे, शुरुआत ही नहीं है हमारे में। हम लोगों में जिस तरीके से अगर नहीं है, तो हमने रऊफ शेख साहब ने और हमने लोगों को अपील किया है कि आप लेटर लिखिए पार्लियामेंट के अंदर में, और लेटर के लिए अभी 11 बजे उनकी फ्लाइट है, वापस दिल्ली जा रहे हैं, उनको लाने के लिए हैदराबाद के लोग, पूना के लोग खुद जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और अगले हफ्ते में 17-18 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के अंदर में तय होगा, ये JPC जो भी निर्णय लेगी वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी, और हो सकता है कि ये बिल लोकसभा के अंदर में जो भी पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में इसके ऊपर में सही मानों में हक पर
इसके ऊपर अगर चर्चा होती है तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो दो वजीर आला है, वो इस बिल के ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो इस बिल के ऊपर में अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रख दिया है कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने खुद इस बारे में हाउस के अंदर में चर्चा की है। मुलायम सिंह के बेटे ने भी, यादव जी ने भी उस बारे में चर्चा की है। ये सब वक्फ की जमीन बचाना चाहते हैं। सारे सेक्युलर जितने भी ऑपोजिशन है वो सारे यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है। और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। मौलाना साहब जो है वो समाजवादी पार्टी से है, मैं कांग्रेस से हूँ। हम सब मिलकर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, सारी